हे फ्रेंड्स, हेलो एंड स्वागत है मेरे रिएक्शन चैनल में। मैं हूँ स्वाति आपके साथ, और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी का ये बयां है, और अल्लाह से मांगो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर उस पर रिएक्शन करेंगे हम। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। इज्जत चाहे मिलेगी अल्लाह के दरबार से, जिंदगी मिलेगी अल्लाह के दरबार, औलाद मिलेगी अल्लाह के दरबार से। इसलिए तो मेरा अल्लाह एक जगह गिला करता है, मुझे छोड़ के औरों के पास क्यों जाते हो? क्या मेरे खजाने कम हो गए? अम्मन खलक السماوات والارض, किसने जमीन आसमान बनाए? وانزل لكم من السماء ماء, किसने पानी को बरसाया? فانبتنا به حدائق ذات بهجة, कौन खूबसूरत बागात फल फूल गल्ले लाया? ما كان لكم من تنبتوا شجرها, एक दरख्त पैदा करके दिखा दो, एक पत्ता पैदा करके दिखा दो, एक तिनका बना के दिखा दो, एक दाना बना के दिखा दो। अल्लाहुम्मा अल्लाह, फिर अल्लाह ए जर्ब लगाता है, हथौड़ा था, सारे शिर्क की जड़ों को काट के रख देता है। अल्लाहुम्मा अल्लाह, है कोई अल्लाह के सिवा? कायनात पुकार उठी नहीं, जर्रा जर्रा पुकार उठा नहीं, कतरा कतरा पुकार उठा नहीं, हवा का एक एक झोंका पुकारा नहीं, दरख्तों के एक एक पत्ते ने पुकारा नहीं, सारी कायनात बहरो बर ने पुकारा नहीं। फिर मेरा अल्लाह कहता है, जब मेरे सिवा कोई नहीं, बल हम कौमुन यादिलून, फिर तुम मुझे छोड़ के कहां भागे जा रहे? इंसानों से गिला करता है, जानवरों को कोई धोखा नहीं, उन्हें पता अल्लाह है और वही सब कुछ देता है। एक अल्लाह के नेक बंदे जा रहे थे सफर में, प्यास लगी, आज का दौर तो था नहीं, कुएं तक पहुंच, नीचे देखा तो पानी बहुत नीचे, तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और जूते को उसके साथ बांधा और नीचे लटकाया, तो पानी तक जूता पहुंच नहीं सका, तो परेशान होकर बैठ गए, अब क्या करूं। इतने में एक हिरन दौड़ता हुआ आया, उसने आकर नीचे देखा पानी, तो हिरन तो वहां जा नहीं सकता, तो उसने यूं ऊपर देखा, ए पानी वाले, बेजबान हूं, पानी पिला। तो पानी उबलता हुआ ऊपर उठा और मंडेर के आके बराबर लग गया। हिरन ने पानी पिया, हिरन की तुफैल इस इंसान ने पिया, हिरन पीछे मुड़ा, पानी नीचे गया, तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मैं इंसान, मेरे लिए तो पानी ऊपर नहीं आया और ये जानवर के लिए ऊपर आया। गैब से आवाज आई, तू रस्सी का सहारा ढूंढता रहा, उसने मुझे पुकारा, उसने पानी वाले रब को पुकारा। उदूनी अस्तजिब लकुम, उदूनी अस्तजिब लकुम, उदूनी अस्तजिब लकुम, कहीं अल्लाह ने कहा है कि मैं थक पे हूं, मैनू ना सदया करो, किसी होर को जाया करो? इन्नल्लज़ीन तदउऊन मिन दूनिल्लाह लन यखलुकू ज़ुबाबा वला यजतमउ लह। क्या कुरान ने खूबसूरत मिसाल दी है मेरे बंदो, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे सिवा जितनी दुनिया के इंसान हैं, उनसे कहो एक मक्खी बना के दिखाएं, जो तुम्हें मक्खी बना के दे दे, बेशक उसके आगे भी पड़ जाना और उसके भी पांव में पड़ जाना और उसको भी माबूद बना लेना। और अगर सारी कायनात के इंसान, अंबिया, शुहदा, औलिया, सिद्दीकीन, वाइजीन, नासहीन, साइंसदान, एक मक्खी तो क्या मक्खी का पर नहीं बना सकते, तो फिर मुझे छोड़ के क्यों भागते हो? ऐन अल मफर फफरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, झुको अल्लाह के सामने, मांगो अपने अल्लाह से जिसके खजाने ख़त्म नहीं होते। मुझसे क्या मांगोगे? जिसको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, उससे क्या मांगोगे?
उससे मांगो जो सबको मौत देता है और मौत से पाक है, सबको खिलाता है और खाने से पाक है, सबको देता है और लेने से पाक है, और जिसको लेने जिसको देने के लिए कहीं से लेना नहीं पड़ता। मुझे पानी पीने के लिए गिलास का सहारा है और गिलास को बोतल के पानी का सहारा है, फिर ये मेरे मुंह में जा रहा है। मेरे अल्लाह को देने के लिए किसी आसरे सहारे की जरूरत नहीं है। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ میرے نبی نے تعارف کروایا یہ میرے نبی نے تعارف کروایا میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانفاکم میرے بندو انسان بھی آ جاؤ جنات بھی آ جاؤ بچے بھی آ جاؤ بڑے بھی آ جاؤ بوڑھے بھی آ جاؤ جوان بھی آ جاؤ مرد بھی آ جاؤ عورت بھی آ جاؤ خشک بھی آ جاؤ تر بھی آ جاؤ اگلے بھی آ جاؤ پچھلے بھی آ جاؤ سارے ہی آ جاؤ فقاموا فی صعید واحد سارے اکٹھے ہو جاؤ فسألونی مانگو دیکھو میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں سمجھ سکیں میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑھے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت خشک اور تر انسان اور جنات آؤ فسألو اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے اکٹھے مانگو جنات بولے انسان بولے عورتیں بولیں مرد بولے جانور بولے اگلے بولے پچھلے بولے اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں ہزاروں مٹ گئیں آگے ہزاروں پیدا ہوں گی میرا اللہ کہتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو میں قربان جاؤں سنو کیا کہتا ہے یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا وہ شور و غوغا ہوگا وہ ہنگامہ ہوگا اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی اسے خطا نہ لگے گی گونگے اشارے کر رہے ہیں وہ اشارے سمجھے گا
चाइनी अपनी में बोल रहा है, उर्दू वाला अपनी में, पंजाबी अपनी में, पठान अपनी में, सिंधी अपनी में, और उस कहता मैं सबकी सुनकर सबका चाह सबको दे दूं। मा नकसा ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر। अल्लाह अकबर। ये देखो, इधर देखो सारे, ये मैंने उंगली डाली बाहर निकाली, पानी का कतरा नजर आया, इसमें कमी आई कि नहीं आई? कमी आई है ना, एक थोड़ा सा पानी निकला है और कमी आई है। तो मेरा नबी फरमाता है कि तुम सारे मांगो, वो सबका चाहा सबको दे दे, तो उसके खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती जितना सुई डबो कर बाहर निकालो तो आती। इतना उंगली पे ज्यादा पानी लग गया, सुई पे थोड़ा लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, बल्कि जो लगा वो भी गिर जाएगा और सिर्फ तरी रह जाएगी। मैं कुर्बान जाऊं मेरे मौला तेरे क्या खजाने हैं। वो कहता है अरे मुझे छोड़कर किधर भागे जा रहे हो बेवकूफो, अरे मेरे दर पे झुक। फफर्रू इलल्लाह, फफर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। रखजन इलल्लाह मिन गैर ज़ात इल्लत तुका व अमल माद। और वो ऐसा हाय 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 कहते साड़ी सुनता नहीं, ये कौन बेवकूफ कहता साड़ी सुनता नहीं, मैं कुर्बान जाऊं। पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह है, बोलो जोर से। रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं कहा है, क्या कहा है? हाँ, उसे पता था सारे तो मोमिन नहीं होंगे, सारे तो मुस्लिम नहीं होंगे, और फिर मुसलमानों में सारे तो नेक नहीं होंगे, तो मैं सिर्फ कोई नेकों का रब हूँ, मैं सिर्फ कोई मुसलमानों का रब हूँ, मैं तो कुल दुनिया के इंसानों का रब हूँ, लिहाजा मुझसे मांगने के लिए बस एक शर्त है जो हर आदमी कर सकता है। अम्मा युजीबुल मुत्तर इदा दाहा। मैं तो उससे तकवा नहीं मांगता, मैं कहता हूँ मेरे सामने दो आंसू बहा मैं तेरी सुन लूंगा, बस आके रो पाओ, आ जा तू आके रो पाओ, बस फिर मैं तेरी सुनूंगा, तू मुझे आंसू दे दे, दो आंसू दे दे। ये कहता जी मैंने तो ये रोना ही नहीं आमदा। अच्छा चलो नहीं रोना आमदा, हाय करना तो आमदा ना जी, हाय हाय तो मैं कर सकना, मैं तू हाय कर अल्लाह के अर्श के दरवाजे खुल जाएंगे। वो तो देने के लिए बैठा है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। उसके खजाने हैं किस लिए? देने के लिए तो हैं। बात कही, क्योंकि हमें उनका दिल बहुत बड़ा होता है, अल्लाह का दिल बड़ा है, तो वो सब कुछ देंगे आपको और जो भी आपके विश होंगे वो पूरे हो जाएंगे। उनको ज़्यादा कुछ नहीं लगता, उनका उनकी मतलब झोली इतनी बड़ी है, वो मतलब इतना भर भर के हमें दे सकते हैं कि हमारी खाली झोली भी वो भर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब स्टार्टिंग ये कहा था कि कौन मतलब खूबसूरत बागों को बनाता है तो वो अल्लाह है, कौन ये फूल झाड़ पत्ते ये सब जो बनाते हैं वो अल्लाह है, और ये सब कुछ जो है हमारी दुनिया में हमें दिखाई देता है। वो बोले थे कि अरे मक्खियों को बना के दिखाओ, तो हम ये भी नहीं कर सकते, हम ये जो मतलब नेचुरली हमें मिली है ये अल्लाह की वजह से मिली, ये भगवान की वजह से मिली है, और ये चीज़ें हम नहीं कम मतलब हम सब कुछ बना सकते हैं लेकिन ये नहीं बना सकते, हम खुद को इंसान नहीं बना सकते, हम कंप्यूटर बना सकते हैं लेकिन इंसान नहीं बना सकते, तो उसकी देन है या अल्लाह की देन है, और उसने हमें फ्रीली दी है और इसके चार्जेस भी नहीं लगे, तो ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि हम इंसान से कुछ भी मांगे तो वो पूरा करने का मतलब हकदार नहीं होता, हम दिल से मांगे अल्लाह से तो वो पूरा भी करता है, और हम जो भी मांगे क्योंकि हम हक से उन्हें मांग सकते हैं, हम किसी इंसान से इतनी हक से तो कुछ मांग नहीं सकते, तो ये सब कुछ मुझे तो मेरे हिसाब से मुझे ये सब कुछ समझ में आया है। आपको क्या लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना, और इसमें और क्या क्या चीज़ें थी समझने वाली और जो मैं नहीं समझ पाई आपको समझ में आई है वो भी मुझे कमेंट करके बताना।